जाएगी। अच्छा नहीं लगता शाम के टाइम, मेरा दो कुर्सियाँ रखी हुई हो, टेबल पड़ा हो, इधर बैठे भी उठा के किस तरह तो बेगम जो है वो समोसे या पकोड़े बना के लाए, तो फिर क्या तो अल्लाह के बंदे पकोड़े समोसे नहीं खाए तबीयत खराब, तो फिर इधर बैठ के बंदा खाए, खत्म हो गया, इधर बैठ के बंदा खाए तो फिर मजा आ जाता है। आप नहीं चाहती कि मेरा बंदा इधर बैठ के इंजॉयमेंट करे, तो माशाल्लाह जी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अब तो हमारा ये ईद बना हो रही है, ईद ये नीचे शहर का, ये ऊपर शहर, ये साहब ने ड्रेस पहना, देखिए मैचिंग पहनी हुई है, थ्री पीस साहब ने ये ना अपने लिए खास तौर पे ना सिलवाया ईद के लिए। हाँ जी स्पेशल ईद ड्रेस है, ये ईद ड्रेस है, ये साहब का, ये मेरा ईद का ड्रेस है स्पेशल मैचिंग, ये कहाँ से मंगाया, डबल यूके से। अच्छा सिंगल यूके, डबल यूके से मंगाया ये ड्रेस मैंने, कोई सी सही है अम्मा, मैं वो मैदा लगाते फिर अच्छी लगनी थी। चिप्स चिप्स वो चिप्स चिप्स भी आलू ने घर से उठा के लेके गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ मेरा खुश रहे बाद रहे पूरे पूरा हफ्ते मुस्कुराते रहे। ये हमारा शाम का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम ब्लॉग। तो इधर देखें जी, ये आ रही है जी मनाहिल, ये मना जी कब चलेंगे वहाँ, हम भी जा रहे हैं जो अब दुकान पर, इधर का टाइम है मेरा 3 बज गए, 2 बजे हम वापस घर आएंगे, तो हम आज लेकर आलू आलू कटवाने हैं, और हम बनाएंगे घर पर अपनी 5 आलू हैं, 5 आलू हैं, तो भाई भी मेरे साथ है, आलू छाप पर खड़े हो गए, आपको हमने आज बहुत मजा किया, 2 घंटे ज़्यादा 5 पिया घर पर आ गए, मैं भाई ने 100 रुपया लगाया, मैंने 50 रुपया, मैंने कहा मेरे पास यही है और पैसे मेरे पास नहीं है, तो मैंने ठीक है चलो आ जाओ, फिर हमने एक बोतल ली 2 लीटर और 30 की पहले कप वाली खाई, फिर 2 फिर 20 की वो खाई, वो दूसरी कौन उसके नीचे कौन किया वो खाई, 50 हमने सामने कौन खाई, और 150 की हमने 200 की हमने 1.5 लीटर बोतल 2 लीटर बस भी बस मिला बाकी। अस्सलामुअलैकुम, हम जी आलू ले आए हैं, वो भी काले हो जाएंगे, चिप्स चिप्स बना रहे हैं, बर्गर अंडे वाला बर्गर है ये, चिकन वाला बर्गर क्या है, चिकन वाला 170 का, आलू छील रहे हैं, फ्रिज में रखे हुए थे, हाँ जी ये जुम्मे वाले दिन ला के रखे हैं, जुम्मे या हफ्ते वाले दिन के, ये क्यों रखे हैं, बाहर खराब हो जाते हैं, तो मैंने जो आलू कटवा लिए हैं छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं, ये रखें हेलो, ये रखें इतने बड़े बड़े पीस हैं, तो ये मेरे दोस्त का भाई है, इसका आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला, इसका नाम अब्दुल्ला है, मेरा दोस्त है उस्मान जीर, वो 1P में चला गया था, 5 पढ़ के गया था ना, 5 पढ़ के वो 1P में चला गया था, जहाँ पर भाई पढ़ता है उसका भाई, इसने एक बर्गर खा लिया, चिप्स खा रहा है 40 की, कहता आपने खानी है, मैंने कहा नहीं मैंने इतनी सारी बनवा ली है, एक घर जाएगा हम खुद बनाएंगे और खाएंगे, दे आपने खानी है तो बताओ मैं आपको खिला दूँ, कहता नहीं, चलो फिर चलते हैं हम, ठीक है
थोड़ा तो सा काम करने गया तो मैंने आलू कटवा लिए, जैसे आपको बताया रोले नहीं गया था ये, तो मैं घर जा रहा हूँ, ये वापस मेरे पीछे आ जाएगा। ये देखिए आ गया, मैं आ गया, ये देखिए तो मैं लूँगा घी जो इसमें डालना, तो पीछे मेरा ट्रैक्टर आ रहा है, ये देखिए मैं जा रहा हूँ घी लेने। नहीं कितने का देता, आधा किलो लूँगा। घी भी ले लिया मेरा घी, नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है, वीडियो चल दी भैया। खैबर मैंने घी लिया है, खैबर इसका नाम है, खैबर भाई कह रहे जल चलो आलू पानी छोड़ रहे हैं, जिसमें था ना नमक डाला जो भैया पानी छोड़ने लग पड़े हैं, तो सुखाएंगे ना बैठ जाकर, कपड़े के ऊपर रखेंगे धोएंगे पहले सुखाएंगे फिर बाद में। नहीं धोते नहीं ना सुखाते हैं, तो आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर। माशाल्लाह जी चिप्स क्या कहते हैं इसे, चावल का मैदा लग चुका है और इधर घी गर्म हो रहा है, घी डाल दिया हमने कढ़ाई में, छोड़नी हो जाए क्या छोड़नी, निकालने वाली इधर से घी गर्म हो रहा है, घी घी लिया और वो चिप्स चिप्स भी आलू हमने घर से उठा के लेके गए थे, चाचू ने काट के दिए, अब हम जी बनाने लगे चिप्स, चाचू के साथ खाएंगे तो बहुत मजा आएगा, हम ऊपर जाके खाएंगे। और इसको ऊपर की बड़ी हुई है बस, ऊपर लेके हम कुछ ऐसे हम लेके कागज आपको ये नहीं पता ऊपर इतनी ठंडी हवा चलती है, सब ले ले जाओ जल्दी, नहीं हुई मम्मा अभी गर्म नहीं हुआ ये, सही ये जी चेक करने के लिए फ्राइज डालिए इसमें, ये जी हमारा घी गर्म हो चुका है तो इसमें फ्राइज डाल देंगे, पहली बार बना रहे हैं पता नहीं अच्छी बनती हैं कि कैसे बनती हैं, स्यापा डाला है कि हमें चिप्स बना के दे, ये उधर से क्रम मशीन नहीं है हमारी चिप्स बनाने वाली, ये भाई यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं ना उसमें वो काम भी करता है चिप्स वगैरह, तो उसे लगाई हुई थी तो उसे कटवा के ये लेके आए हैं अभी, तभी मैं इनको बना के दे रही हूँ, साहब उधर रंग शंग करने लग गए हैं, हम ईद बना रहे हैं जी, कोई रंग कर रहा है कोई चिप्स बना के खा रहा है, ये ईद बनाई जा रही है, लोग ईद बनाते हैं बाहर जाते हैं आते हैं बहन भाई मिलते हैं, हम घर में ईद बना रहे हैं, अपने बाबा को दिखा के आए लेकिन जी बाबा इधर दरवाजे को रंग कर रहे हैं, ईद वाले दिन भी बाबा को आराम नहीं आता कि ईद के बाद कर लेते हैं दो तीन दिन बाद, सब बहन भाई अपने बहन भाइयों के पास गए हुए हैं और हम इधर ईद मना रहे हैं रंग रंग लगा कर दरवाजों को और चिप्स बना कर, और हम राम स्कूल से खड़े होकर कहीं चिप्स खाते हैं, अब हमारा होटल ऐसा रहा जब का हमारा घर बन रहा है, हम कहीं भी नहीं जा सकते, बस अलिया ये देखें जी तो अभी मगर गर्म है इसलिए थोड़ी सी सही है अम्मा, मैं वो मैदा लगाते फिर अच्छी लगनी थी, नहीं नहीं वैसे चावल वाला आटा लगाया हमने, मम्मा जी अपने गाली अम्मा बहुत मजा आया, काट गया रोटी बना दे रहा छोड़ो गया पर मम्मा जी ने मम्मा ने चिप्स बना लिया और बाहर भी निकाल लिया, बहुत मज़ेदार है मम्मा, वो लुक इसकी लुक देखें, तेल है और इसकी देखें मशाला बहुत अच्छी लग रही है, अभी ये बननी है ये काले हो गए आलू इसके भी बननी है, अच्छी बनी अम्मा मज़ा आ रहा है, बाहर आया हूँ चिप्स अभी नहीं बनी, शाम हो गई है तो फिर सर के बाहर निकलूँगा घर, तो मुड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, मुड़ियों के सामने कचरा खिलारा हुआ है, मुड़ियों को देखने जा रहा हूँ मैं, कहाँ पर हैं मुर्गियाँ मुर्गियाँ, पहले इधर देख देखने गया हूँ मुर्गियाँ, यहाँ पर है तो ठीक है वरना उधर जाता हूँ, मेरी दो तीन आवाज़ें मारी हैं नहीं है इधर, तो अब उधर जाता हूँ शायद उधर आऊँ देखता हूँ, जा रहा हूँ मुर्गियों को देखने के लिए, ज़्यादा आपको बताया तो ये जी जूस पी रहे हैं, हाँ
तो ये आज सब बच्चे खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, जैशियाँ कर रहे हैं। आज आज ही जैशियाँ करने का दिन है, ईदी होती है, सबको पैसे मिलते हैं, सूट वगैरह डालते हैं। तो गरीबों के लिए ये नहीं होता, गरीब बस घर पर बैठ जाते हैं, बस जो सूट लिया वो भी डालते हैं। जब हमारे हालात ख़राब थे ना तो अभी पापा 100 रुपये देते थे, पापा 50 करो 50 रख लो फिर कहीं काम आ जाएंगे। तो मुर्गियाँ जी यहाँ पर फिर रही हैं, तो हम भी रोते थे, हमें भी ज़्यादा पैसे मिले, सबके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। पिछली बार हमने 1000 दी थी, आज की अब हमें 500 दिया, अल्लाह का शुक्र, बस ठीक है इतनी दी। तो अब हम वो भी लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए, चिप्स भी खाई, उसने पार्टी भी की, चिप्स का घी भी लेकर आए, घी भी लेकर आए, मुझे मैं मोह ने मोलिया मैंने। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, जैसे कि आपको मैंने बता दिया सब कुछ, वीडियो शेयर कर दिया आपके पास। और चिप्स खा खा कर अभी हमने मंगानी है कोकोनटो, और जी बाबा जब अड्डे पर जाएंगे फिर हमारी ले आएंगे कोटोनाटो कोकोनटो है। और जी अपना बर्तन ना जी मैंने इसके नीचे रख दिया है, मैंने इस कप को टांग दिया। फिर मुझे भी थोड़ी देर के बाद मुझे भी याद आया वीडियो बनानी है, फिर मैंने आपको जल्दी कहा आप वीडियो बनाओ, मैं तो आप ही अब मेरी वीडियो बना रही, मम्मा बर्तन धो रही है। ये देखे जी साफ रंग कर रहे हैं, ये दरवाजा रंग कर लिया, ये देखे नमाज वगैरह पढ़ी है, खाना शाना खाया है, नमाज पे जोर की नमाज पढ़ी है, पढ़ के तो साफ लग गए काम पे। मैंने भी बर्तन वगैरह धोए हैं, घर की सफाई की है, झाड़ू वगैरह लगाया है, ये चार पहिए बाहर डाली है, पहले बरामदे में थी फिर इधर बाहर डाली है, सेन में नाल वजू कर रही है नमाज पढ़ने के लिए। आज मैंने सब नमाजें पढ़ी है, आज इसे सब नमाजें पढ़ी है जी, तो वजू कर रही है, मैंने भी नमाज पढ़नी है, वजू करना है। ये देखें जी साहब दरवाजे को रंग कर रहे हैं, एक कोट कर लिया था, दूसरा कोट कर रहे हैं, दूसरा कोट कर रहे हैं ना, अब ये क्या हो रहा है? देखिए जी ये ईद मना रहे हैं लोग, ईद मनाते हैं, अब रिश्तेदारों को मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, हम सुबह उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के बाद कुछ सेवी वगैरह बनाई है, फिर भाई के घर चले गए, सईद भाई के घर, चाची के घर। ईद होती है बच्चों की, तो वालदैन की क्या ईद होती है, वालदैन फिर भी किसी रिश्तेदार को मिलने जाते हैं ना, जाएंगे इंशाल्लाह जब उधर से फारिग हो जाएगा, पता नहीं हाँ इधर से ईद भी ख़त्म हो जाएगी, जब ये इधर से फारग होंगे ईद भी ख़त्म हो जाएगी, फिर ईद के बाद ये मिलने जाएंगे सबको। यार बात ये है कि ये काम बीच में पड़ा हुआ है, अब ऊपर से मौसम ख़राब है, बादल हो रहे हैं, बारिश होगी ना ये दरवाज़ा ख़राब हो जाएगा, 15,000 रुपये का ये दरवाज़ा है। चलो ठीक है जी, ईद रोज़ रोज़ आनी है, आपकी मर्जी है यार, इसलिए मैं आपको ना सुबह घुमा लाया था उधर भाई जमील के घर, बस उधर तो मैं अकेली भी चली जाती हूँ। अच्छा और भी कहीं ले चलूँगा, शाम को आना ना वो भाई वालों ने आना, भाई सईद वालों ने, हाँ जी, इसलिए फिर मैं किसी तरफ जा नहीं रहा, उधर हम किसी तरफ चले गए वो आ गए तो फिर मसला खराब है। चलो जी मर्जी है आपकी, रिश्तेदार तो इतने हैं कि कल अगर मिस्त्री ना आए तो फिर चलेंगे। चलो अगर कल मिस्त्री आ गए तो फिर ठीक है काम, ये देखे जी अगर मिस्त्री आए छुट्टी फिर चलेंगे। ये देखे सारा दिन इसकी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, अभी चीज़ लेके आइए, क्या लेके आइए अब, ये भाईजान मेरे प्यारे भाईजान, अब देखें जी कैसी लुक आ गई है दरवाजे की, माशाल्लाह बहुत बड़ी, ये गेट का भी ऐसा रंग हो जाएगा, ये लाइन में ना सबके ऐसे ही भाई कलर लगे कलर किए हुए हैं गेट दरवाज़ों को, गेट को तो हमने भी इसलिए ऐसे ही किया है, तो आसपास सब ऐसे ही कलर चल रहे हैं, इधर ज़्यादातर यही कलर चलता है, ये गंदा नहीं ना होता इसलिए, मिट्टी वगैरह पड़ जाए या मतलब गंदे हाथ लग जाए ये महसूस नहीं होता। माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट दीवारों में ये देखो चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर।
ये फुल दरवाजा है। माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह दरवाजे का रंग कलर किया है उन्हें दरवाजे को। माशाल्लाह देखें शाइनिंग कितनी आ गई है। ये देखें ना कितनी शाइनिंग आ गई है। इधर इधर नीचे ये, देखें। ये ईद बना हो रही है। ईद नीचे शहर है, ये ऊपर शहर। ये साहब ने ड्रेस पहना, देखे मैचिंग पहनी हुई है। थ्री पीस साहब ने ये ना अपने लिए खास तौर पे ना सिलवाया ईद के लिए। हाँ जी स्पेशल ईद ड्रेस है। ये ईद ड्रेस है ये साहब का। ये मेरा ईद का ड्रेस है स्पेशल मैचिंग। ये कहाँ से मंगाया है? डबल यूके से। अच्छा सिंगल यूके डबल यूके से मंगाया ये ड्रेस मैंने। जैसे आप बहन भाइयों को बोलते हैं मेरे हाफ एम में हाफ इंग्लिश में किया हाफ एम में मैंने आपको पता है। आप मेरे बहन भाइयों को बताते हैं मुझे नहीं पता। मुझे कोई पूछता है ना आपकी तालीम कितनी है, मैं कहता नहीं मैंने हाफ एम में किया इंग्लिश में। आप समझे हाफ एम में किसको कहते हैं। मैं आपके साथ करने वाला मनाहिल। ये देखें जी आ गई मनाहिल। बाबा जी कब चलेंगे वहां? कब कहां? वो चाचू सईद वालों ने आना है ना, वो आके चले जाएंगे ना। अगर आज टाइम हुआ तो आज चलेंगे, तो फिर कल चलेंगे, चलेंगे ज़रूर। तो देखें मनाहिल दरवाज़े का कलर कैसा हो गया, अब कैसा लग रहा है दरवाज़ा? हाथ नहीं लगाना, गीला है। मनाहिल ने खानी है जी कॉर्नेटो आइसक्रीम। तो ये बहुत कोकोनटो तो बहुत उतावली हो रही है जी मुझे लेके चले। मैंने आइसक्रीम खानी तो मैंने कहा बेटा बेटा ले दूँगा ना, सब्र करें। आपको पता है ना, आपको पता है ना मैं काम का। अच्छा मुनाहिल को मेरा हॉल उठने लग गए। तो बेगम साहब कैसा लग रहा है आपका ये बैठक का दरवाज़ा? बेटा पहनता हूँ चाचू सईद वालों ने आना है बेटा घर। हाँ चाची ने और चाचू सईद वालों के बच्चों ने आना है ना, सब ने आना है। हाँ तो आप देखें जी माशाल्लाह दरवाजे का कलर किधर। हाँ इधर नहीं किया, इधर वो सफ़ेद हुआ ना, फिर देखेंगे गेट को जब कलर करेंगे ना फिर इसको कलर कर देंगे। ये ना इसका ये चूना उतार के सफ़ेदी उतार के फिर करेंगे। हाँ इसको खुर्च खुर्च के करेंगे जी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है अब तो हमारा बाबा हाउस। तो तख्ती कहाँ पे लगानी है बाबा हाउस की, किस साइड पे लगानी है? उस पिलर पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे। मैं बनवा के लाऊँगा ना तख्ती, उसके ऊपर लिखा होगा बाबा हाउस। यहाँ पे लगे या ऊपर लगाएंगे उधर बाबा हाउस? नहीं ऊपर लगाएंगे। इधर लगानी है, इधर थोड़ी ऊपर लगे लगानी है। ठीक है ये तो किला है ना। हाँ ठीक है इधर लगाएंगे, किसी का हाथ ना पहुँच जाए उधर। ठीक है यहाँ पर बाबा उसकी तख्ती लगेगी। हाँ जी महाराज जी बाबा, हमारा बाबा बहुत प्यारा है हमें, तो इसलिए हमने बाबा उस नाम रखा है। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ुमान में रखे। ठीक हो गया, मैं कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। ठीक है मैंने बुरश साफ़ किया ना, तो ये गेट को भी थोड़ा सा मैंने फिर वो आयल था वो लगा दिया, रंग वाला आयल है, तो ये भी थोड़ा सा साफ़ हो गया। फिर इसको भी जब ये ऊपर ये कलर कर जाएंगे ना, फिर इसको भी कलर करूँगा मैं, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा जैसे वो दरवाज़ा है। हाँ कुछ नहीं वो मैं दिखाएँ बादल कितने प्यारे हैं। हाँ देखें जी माशाल्लाह बादलों में सूरज कैसे नज़र आ रहा है, ऊपर चल के दिखाते हैं, इधर नहीं पता चलता। ये देखें जी शाम को ढलते सूरज का नज़ारा, सूरज ग़ुरूब हो रहा है बादलों में से, कैसे नज़र आ रहा है, दिख रहा है सूरज। छत पे आ गया जी मैं और बेगम। बेगम साहब कैसा लग रहा है छत पे व्यूज? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। तो मैं आप लेके आई। अच्छा छत पे चले माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू, बादलों में सूरज छुपा हुआ है, देखें कितना चमक रहा है। हाँ जी माशाल्लाह बहुत चमक रहा है। गंदम काट ली लोगों ने, इधर हाँ भी बनवाया कुछ, हमने कपड़े खिलाने हैं तो इधर भी सीमेंट करवा देती है, रंग करवा देती है। इसके ऊपर सीमेंट लगेगा ना कपड़े खराब होंगे आपके, इसके ऊपर झाड़ू लगाएंगे ना आप तो वो फिर ठीक हो जाएगा। बगैर मैंने कहा था भी इसके ऊपर ना सीमेंट लगा देना, लगाया ही नहीं इसने ऊपर। चल ठीक हो गया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। इसकी सफाई करें आप सुबह ना, आप सुबह ठंडे ठंडे टाइम ना इधर झाड़ू लगाना आपने। ये सारा कचरा एक दो तगारे बच्चे हैं घर, ठीक है तो उनको वो तसले में डाल के दें, बाहर फेंकें इसको कचरे को, तो ये सारी सफाई हो जाएगी।
अच्छा नहीं लगता शाम के टाइम, इधर दो कुर्सियाँ रखी हुई हो, टेबल पड़ा हो, इधर बैठे हो, भी उठा के किस तरह तो है? बेगम जो है वो समोसे या पकोड़े बना के लाए, तो फिर क्या तो अल्लाह के बंदे पकोड़े समोसे नहीं खाए तबीयत खराब, तो फिर इधर बैठ के बंदा खाए, खत्म हो गया, इधर बैठ के बंदा खाए तो फिर मजा आ जाता है। आप नहीं चाहती कि मेरा बंदा इधर बैठ के इंजॉयमेंट करे? करे करे जी, ज्वाइंट में ज्वाइंट में नहीं, इंजॉयमेंट, वही मैं कहना चाह रही थी, वही कहना चाह रही थी, कहा नहीं कहना चाह रही, ये इतने कम नहीं है तो ये देखें क्या, किस चीज़ से? पिलर के लिए। ये देखें जी, ये हमजा शुगर मिल के बॉयलर नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, हाँ जी, कितना नज़दीक कर दिया जी कैमरे ने, जूम करके अभी बस फुल हो गया यहाँ पे। ये स्टेशन का टावर है और वो देखो, दिखाएं जहाँ हम पहले, वो कॉलोनी दिखाएं जहाँ हम पहले रहते, ये सामने ये घर नजर आ रहे हैं, अल्लाह ये वाले, हाँ ये इतनी नज़दीक आ गई कॉलोनी, ये देखें जहाँ हम पहले रहते थे, ये देखें कवे उड़ के जा रहे हैं, यहाँ हमारी शादी हुई थी, हम आए थे, साहब मुझे दुल्हन बना के लेके आए थे उस घर में,